हेलो फैमिली वुडन प्रेजेंट सरप्राइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी डेली व्लॉग्स। सो गाइस, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जैसे कि हमने सोचा था, हम लोग 9 बजे यहां से निकल जाएंगे। हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं नहीं मानता। हम लेट हो चुके हैं। अब हम निकलने वाले हैं आधे घंटे में, और हम जब निकलने वाले थे आई गेट टू नो कि अभी कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग होना बाकी है। ये देखो, कल जो मिंत्रा और अमेजोन से चीज़ें आई थी उनकी अनबॉक्सिंग होना बाकी है, तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ी देर में और फिर निकलते हैं। सामान रेडी है, देखो सारा सामान रेडी है, बैग और खाने पीने का सामान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाने पीने का सामान और रेनकोट कभी नहीं भूलना, किधर भी जाना, लेकिन ये दोनों चीज़ें कभी नहीं, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। सो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी ये रहे केले और दूध बनने जा रहा है, और फिर हम केले दूध खा के निकलने वाले हैं, और निकलते टाइम आपसे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके ही निकलेंगे। सो मिलते हैं आपसे निकलने वाले। चलो भाई देखो अपने। सो फैमिली, प्रोडक्ट शेयर है मिंत्रा का और अमेजोन का, जिसमें दो तीन चीज़ें एक साथ। सो अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग करके इनकी की क्या क्या है इसमें। पहले ये है मिंत्रा, सो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। राइट, पूरा गिफ्ट मिला। सो इसमें है दो टी शर्ट्स, जो कि है बेवकूफ़ की दो टी शर्ट्स है ये की, एंड सेकंड ये भी बेवकूफ़ भाई। सो ये टी शर्ट्स पड़ी हैं मुझे 1099 लिखा है, 1099 भी है नहीं, और इसमें भी 1000 लिखा है, बट ये दोनों टी शर्ट्स मुझे सोचे। सो इन्हें रखते हैं अभी साइड में। तो फैमिली है मैं उनका प्रोडक्ट, और सब खोल के देखते हैं। ये तो मुझे सेम पर्स लग रहा है जो है वो पुराना वाला, बट देखते हैं अभी क्या है इसमें क्या नहीं। पैकिंग भी बड़ी हाँ। अब ये हुआ अनबॉक्स, मुझे सेम देख लग रहा है जो है वही लग रहा है मुझे सेम देख। देखते हैं फिर भी, वाह ये थोड़ा सा अलग है, आपको अलग अलग नहीं है फ्रेंड्स, ये सेम ही बैग है, लेकिन सी सेम ही बैग है ये और ये मिंत्रा का। बस डिफरेंस ये है कि इसमें ऑरेंज, इसमें ब्लू। सो देखते हैं अभी मिंत्रा का अलग रख देते हैं, ये है अमेजोन का, तो इसको अलग रख देते हैं। और ये टी शर्ट है 1999 की, लेकिन मैं लिटरली बताऊँ तो ये टी शर्ट सिर्फ 650 की है। मैं इस टी शर्ट को देख चुका हूँ, तो ये मेरे किसी काम की नहीं। और लास्ट चीज़ है, बस साथ ही बिल है। चार चीज़ें हैं, तो चार चीज़ों का बिल है। इस साइड में रखते हैं और अनबॉक्स करते हैं ये बॉक्स। और इसमें है वाव सैंडल, दिखने में तो उसे ठीक ठाक लग रहा है बट। और ये है दूसरा वाला, बच्चे सैंडल था, हील वाला सैंडल है, और ब्लैक इन कलर, और ये माइट बी लॉक है यहाँ का, मुझे नहीं पता। सो ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी अनबॉक्सिंग, और अब हम रेडी होकर निकलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। फिर आपसे मिलते हैं, फिलहाल अभी के लिए बाय बाय। हेलो फैमिली, और मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम निकलने वाले हैं। सो दिस इज़ माय ड्रेस कोड टुडे, एंड वो रहे जूते, ये रहा बैग, और ये रहा मैट। ये बॉय। सो मैं रेडी हो गया हूँ, एक बार ऐसे दिखा देता हूँ।
बस अब हम निकल रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। अभी करीबन बज रहे हैं 10:30 से 11 के समथिंग, यस 11 बज चुकी है। सो 11 बज चुकी है फैमिली और हम निकलते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वहीं पर जाके मिलेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे करीबन 2 घंटे का रास्ता है, 90 किलोमीटर है। बीच बीच में कुछ शॉर्ट्स बना के डालेंगे। सो अभी निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बीच में, ठीक है? सो मिलते हैं फिर। हेलो फैमिली, अभी हम रुके हैं सोमपुर में, जो आप देख सकते हो, और ये हाईवे है। ब्रेक लिया थोड़ा, करीबन हो गया 50 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से अभी बाकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी करीबन 40 किलोमीटर। तो आप ये मान लो कि 2 घंटा तो एग्जैक्ट लगना ही है। यहाँ से भी गूगल मैप 50 मिनट्स बता रहा है, क्योंकि रास्ता एकदम साफ है, हाईवे है विदाउट ट्रैफिक। बट हम अभी जहाँ जिससे आ रहे हैं वडोदरा से, डोही के बाद 2 ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक था। सो चलो अभी ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं आप लोगों को, तो ठीक है सीधे वहीं मिलते हैं आप। बीच में हो सकता है तो 1-2 शूट और करके मैं डालूँगा, एंड थोड़ी देर के लिए रुका, थक गया हूँ थोड़ा, और तशरीफ को भी थोड़ा आराम मिलेगा। चलिए ठीक है, मजाक की बात है, निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे वहीं पर, सीधे आयरन मैन के पास, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। We'll be right back.
सो फैमिली फाइनली पहुंच चुके हैं हम। कहाँ पहुंच चुके पता है आपको? ये यहाँ पहुंच चुके हैं हम फाइनली, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं मूर्ति देखने के लिए, देख चुका हूँ। और गाड़ी में मैंने यहाँ पार्क कर दिया, गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई ऐसा पार्किंग नहीं है टू व्हीलर के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा और टिकट काउंटर वहाँ मिलेगा। सो हम चलते हैं, अभी टिकट लेते हैं। और क्या है अभी कुछ पता नहीं है, खाने पीने का सामान ले के जाने देते हैं नहीं ले जाने देते, फ़ोन ले जाने देते हैं नहीं ले जाने देते। सो अंदर जो भी होता है फिर आपको बताते हैं। सो अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करो फैमिली। मुझे लगा सिर्फ जाके मूर्ति को देखना ही है, लेकिन रियल स्ट्रगल बिगिंस फ्रॉम हियर। ये है लंबी चौड़ी लाइन, और उसके बाद हमारे आयरन मैन की मूर्ति। सो ये मजाक हम सजा दादा हो रही है, लेकिन चलो फटाफट टिकट लेते हैं फिर आपको बताते हैं। पर लाइन देखो आप, मात्र इतनी सी लाइन है जो आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। सो तब तक मैं टिकट लेता हूँ और नज़ारे देखता हूँ, बहुत अमेजिंग अमेजिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। फैमिली अभी हम आए हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट लेने। कोई सेंसेस बात की? टिकट प्राइसिंग ये, इसका बोर्ड यहाँ पर, जिसको देखना है पॉज करके देख ले। अबे साले तभी टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। सो मिलते हैं अभी टिकट लेके। हेलो फैमिली, हम अंदर घुस चुके हैं और वहाँ पर चेकिंग पॉइंट है। देखो वहाँ पर है चेकिंग पॉइंट, ये जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर है चेकिंग पॉइंट, एंड आई एम इन। और मूर्ति रही, ये रही मूर्ति, अमेजिंग यार अमेजिंग। देख फैमिली आ चुके हैं, एंट्री फाइनल हो चुकी है, और दिखाता हूँ मैं लोहा पुरुष है हमारे लोहा पुरुष, बिल्कुल एकदम आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए हमारे लोहा पुरुष। और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब नज़ारा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये रहा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एंड अच्छा लग रहा है यार। चलो और पास में जाके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय। टिकट